हे दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लाए हैं एक और अमेजिंग साईफाई हॉरर फिल्म, जो हमें बताएगी कि कैसे नेचर के खिलाफ जाना अपनी बर्बादी को बुलाने के बराबर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की मेडिकल रिसर्चर्स की एक टीम को मरे हुए जानवरों पर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए देखते हैं। इस टीम के हेड डॉक्टर फ्रैंक और उसकी फियांसे डॉक्टर जोई अपने असिस्टेंट नीको और क्ले की हेल्प से लजारस नाम के एक सिरम पर काम कर रहे थे, जिसके यूज से वो किसी भी मरे हुए जीव को दोबारा जिंदा कर सकते थे। हालांकि वो सालों से इस सिरम को तैयार करने में लगे हुए थे, मगर इसके बावजूद उनका कोई भी एक्सपेरिमेंट अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इस दौरान जोई इवा नाम की एक वीडियोग्राफर को भी अपनी टीम में शामिल करती है, ताकि वो उनके लैब में होने वाली सारी घटनाओं को रिकॉर्ड कर सके, और जब उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो वे इसे सबको दिखा सके कि उन्होंने ये डिस्कवरी कब और कैसे की थी। इवा आते ही अपने काम में लग जाती है और लिजारस सीरम को यूज करने की कंप्लीट प्रोसेस को रिकॉर्ड करने लगती है। साथ ही हमें पता चलता है कि ये डिस्कवरी असल में फ्रैंक का आइडिया था, जो कि इसे पूरा करके सबको जिंदगी जीने का दूसरा मौका देना चाहता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जोई फ्रैंक के इस ऑब्सेशन से थोड़ी परेशान रहने लगी थी, और इस बात का जिक्र वो एक शाम अपने टीममेट और फ्रेंड नीको से भी करती है। वो उसे बताती है कि कैसे 3 साल से एंगेज्ड रहने के बावजूद फ्रैंक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की इच्छा में उनकी शादी को टालता जा रहा था। अगले सीन में हम जोई को उसके घर पर सोते हुए देखते हैं, जहां उसे रोज की तरह बुरे सपने आ रहे थे। इन सपनों में वो हमेशा कुछ लोगों को एक जलती हुई बिल्डिंग में झुलसते हुए देखती थी, जिससे उसकी रूह तक कांप जाती थी। और इनफैक्ट फ्रैंक को भी उसके इस नाइटमेयर्स के बारे में पता था। खैर, अगले दिन वे सब अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखते हुए रॉकी नाम के एक डॉग पर वो सीरम टेस्ट करते हैं, जो पहले तो अपना असर नहीं दिखाता, मगर फिर धीरे धीरे उस डॉग के डेड ब्रेन में जाकर एक्टिवेट होने लगता है, और सरप्राइजिंगली रॉकी फिर से जिंदा होकर भौंकने लगता है। अपने एक्सपेरिमेंट को फाइनली सक्सेसफुल होता देख फ्रैंक और उसकी पूरी टीम खुशी से झूम उठते हैं। बट रॉकी को चेक करने पर उन्हें ये भी पता चलता है कि लिजारस सीरम में कुछ हीलिंग पावर्स भी थी, जिसने रॉकी की ब्लाइंडनेस को ठीक कर दिया था। अपनी मेहनत को फाइनली रंग लाता देख फ्रैंक और जोई बहुत खुश होते हैं, और अपनी टीम के साथ इस सक्सेस को सेलिब्रेट करके रॉकी को अपने साथ घर ले आते हैं। आगे जोई रॉकी को खाना देती है, मगर नोटिस करती है कि वो कुछ वियर्ड बिहेव कर रहा था। अगले दिन लैब में जब वे लोग रॉकी पर बाकी के टेस्ट कंडक्ट करते हैं, तो उन्हें उसमें एग्रेशन के बढ़ते हुए साइंस दिखाई देते हैं, जिस वजह से उसे घर ले जाना खतरनाक हो सकता था। इसलिए वो लोग फिर उसे उस रात लैब में ही क्ले की निगरानी में छोड़कर घर चले जाते हैं। फिर क्ले रॉकी को पिंजरे में बंद कर अपना काम करने लगता है कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है, जिससे क्ले थोड़ा घबरा जाता है। और जब उसे पता चलता है कि इस बीच रॉकी भी अपना पिंजरा तोड़कर कहीं बाहर भाग गया है, तो उसकी घबराहट और बढ़ जाती है। वो रॉकी को ढूंढते हुए लैब के किचन सेक्शन में पहुंच जाता है, जहां की सारी चीजें रॉकी ने तहस नहस कर दी थी। अब इससे पहले कि क्ले कुछ सोच पाता, अचानक से रॉकी उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, मगर क्ले जैसे तैसे उसे शांत करके तुरंत अपनी टीम को वहां बुला लेता है। फिर वो उन्हें रॉकी के एक्सट्रीम एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में बताता है, जिसे वो लोग उसका वहम समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वो लोग लगातार रॉकी पर टेस्ट करना जारी रखते हैं, ताकि उसके वियर्ड बिहेवियर को समझ सके। इस बीच एक दिन यूनिवर्सिटी की डीन फ्रैंक को बुलाकर बताती है कि उनकी लैब एक बड़ी कंपनी ने खरीद ली है, इसलिए अब उन्हें अपने एक्सपेरिमेंट्स रोकने होंगे और सीरम से रिलेटेड अभी तक की सारी इन्फॉर्मेशन, मटेरियल्स, वीडियो और प्रूफ्स भी उस कंपनी को देने होंगे। हालांकि फ्रैंक डीन को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि ये गलत है, मगर डीन उसकी एक नहीं सुनती। वे उल्टा उसे ही इन सब का जिम्मेदार ठहराते हुए कहती है कि क्योंकि फ्रैंक लिजारस सीरम के ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स बिना परमिशन के कर रहा था, इसलिए अब वो भी उसकी हेल्प नहीं कर सकती। और इस तरह फ्रैंक और उसकी टीम ना चाहते हुए भी उनसे उनकी सारी मेहनत छीन ली जाती है, यहाँ तक कि उन्हें लैब में आने से भी मना कर दिया जाता है। पर फ्रैंक हार नहीं मानता। वो अपनी टीम के साथ प्लान करता है कि कैसे वे सब एक आखिरी बार लैब में घुसकर सीरम का डुप्लीकेट बनाएंगे
और उसे रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि वे साबित कर सकें कि असल में इस लाइफ सेविंग सीरम की डिस्कवरी उन्होंने ही की थी। उस रात वो सब अपने प्लान के अकॉर्डिंग ईवा की हेल्प से जैसे तैसे लैब में पहुंच जाते हैं और सीरम का डुप्लीकेट बनाना शुरू कर देते हैं। सीरम बनाने के बाद वे उसे टेस्ट करने के लिए एक मरे हुए डॉग में इंजेक्ट करने ही वाले होते हैं कि तभी मशीन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और मशीन रीस्टार्ट करते वक्त जोई को हाई वोल्टेज करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर सारे लोग जोई को बचाने की लाख कोशिश करते हैं मगर वे उसे बचा नहीं पाते, जिस वजह से फ्रैंक बिल्कुल टूट जाता है। फ्रैंक जोई से बहुत प्यार करता था और उसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था, इसलिए कोई और रास्ता नहीं होने पर वो लिजारस सीरम को जोई पर यूज करके उसे वापस जिंदा करने की सोचता है। बट नीको, ईवा और क्ले इस प्लान में फ्रैंक का साथ देने से साफ मना करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले कभी इस सीरम को ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, जिस वजह से वे इसके साइड इफेक्ट्स नहीं जानते थे। मगर फ्रैंक नहीं मानता और आखिर में उन्हें भी उसकी जिद के आगे झुकना पड़ता है। फिर वो लोग यूनिवर्सिटी के गार्ड से बचते बचाते हुए किसी तरह जोई के ब्रेन में सीरम इंजेक्ट करके उसे जिंदा करने में कामयाब हो जाते हैं। जोई को फिर से जिंदा देखकर फ्रैंक और बाकी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें रियलाइज होता है कि जोई थोड़ी बदल गई थी। इस बीच उन्हें पता चलता है कि गार्ड अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर यूनिवर्सिटी लॉक करके घर चला गया था, जिससे वे सब रिलैक्स होकर जोई की बॉडी को टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर जोई का MRI करने पर उन्हें पता चलता है कि उसका ब्रेन नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर रहा था। जहां आम इंसान एक टाइम पर अपने दिमाग के एक छोटे से हिस्से का यूज करता है, वहीं जोई सेम टाइम पर अपने पूरे ब्रेन का इस्तेमाल कर पा रही थी, जो काफी शॉकिंग था। दूसरी ओर जोई को भी अपने अंदर कुछ अजीब महसूस होने लगा था, जिसे ना सिर्फ वो लोगों के मन के थॉट्स को सुन पा रही थी बल्कि अपने दिमाग की पावर से चीजों को बिना छुए हिला भी सकती थी। साथ ही उसे अपने हाथ की उंगलियां काली होती नजर आती हैं। ये सब देखकर जोई इतना डर जाती है कि वो अनजाने में वॉशरूम का मिरर तोड़ देती है, जिसके बाद उसे उस टूटे हुए आईने में अपना रिफ्लेक्शन बहुत ही अजीब ढंग से मुस्कुराता हुआ नजर आता है। अब इससे पहले कि जोई कुछ समझ पाए, रॉकी वहां आकर उस पर भौंकने लगता है, बट फिर जोई उसे गुस्से से घूरने लगती है और अपनी पावर्स का यूज करके उसकी जान ले लेती है। स्टोरी आगे बढ़ती है और हम डरी सहमी जोई को फ्रैंक से बात करते देखते हैं। वो उसे बताती है कि कैसे अपनी मौत के बाद वो लगातार अपने उसी डरावने सपने को जी रही थी, जिसे वो हमेशा सोते समय देखा करती, और अब जब वो दोबारा जिंदा होकर लौट आई है तो उसके साथ कई सुपरनेचुरल पावर्स भी आ गई हैं, जो उसे पागल कर रही हैं। ये सब सुनकर फ्रैंक जोई को ये कहकर हौसला देता है कि ये सब सिर्फ सीरम के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं और जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। साथ ही वो उसे रेस्ट करने को कहता है और उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुला देता है। इसी दौरान ईवा जोई को चेक करने आती है और उसे सोता हुआ देखकर उस पर कंबल ओढ़कर वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक उसके आसपास की चीजें बदल जाती हैं। वो खुद को एक जलती हुई बिल्डिंग में पाती है, वहां उसे एक छोटी बच्ची भी नजर आती है, बट जब ईवा उससे बात करने की कोशिश करती है तो वो बच्ची उसे चुप रहने का इशारा करके वहां से गायब हो जाती है। ईवा उस बच्ची का पीछा करने लगती है, पर तभी उसके आसपास एक रोशनी छा जाती है और एक शैडो उसका हाथ पकड़कर उसे जलाने लगती है। ईवा दर्द में चिल्लाने लगती है और अचानक उसकी आंख खुलने पर उसे रियलाइज होता है कि ये सब एक सपना था, लेकिन जब वो अपना हाथ चेक करती है तो देखकर शॉक रह जाती है कि उसके हाथ पर जलने के निशान थे। घबरा कर वो ये सारी बातें नीको, क्ले और फ्रैंक को बताती है, जिसे सुनकर फ्रैंक भी हैरान रह जाता है क्योंकि ईवा जो कुछ भी बता रही थी वो सारी डिटेल्स जोई के सपने का हिस्सा थी। आखिरकार फ्रैंक सबको बताता है कि कैसे जोई के बचपन में उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग में आग लग गई थी, जिसमें उसके नेबर्स जिंदा जलकर मर गए थे और तभी से उसे उसके नाइटमेयर्स आते थे। ये जानकर सब और कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि आखिर जोई के साथ हो क्या रहा था। जोई की हालत समझने के लिए नीको उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां जोई इमोशनल होकर उसे सेड्यूस करने लगती है, पर जब नीको उसे अवॉइड करने लगता है तो वो गुस्से में उसे लोहे की अलमारी में बंद करके अपनी पावर से उस अलमारी को क्रश कर देती है, जिससे नीको उस अलमारी में दबकर मर जाता है। द
दरअसल जोई अब पूरी तरह से एक एविल बन चुकी थी, जो मरने के बाद हेल डायमेंशन में जाकर वापस लौटी थी। कुछ देर बाद ईवा, फ्रैंक और क्ले नीको को लैब के हर जगह ढूंढने लगते हैं, मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। फिर वो लोग जोई से नीको के बारे में पूछते हैं, बट जोई इनोसेंट होने का ढोंग करते हुए उनसे कहती है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन क्ले अब पैनिक होने लगता है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर जोई चुपचाप अपनी पावर्स का यूज करके बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर देती है। ये देखकर ईवा और क्ले को जोई पर शक होने लगता है और वो लोग फिर से एक बार उससे नीको के बारे में पूछते हैं, लेकिन जोई उन्हें जवाब देने के बजाय क्ले की तरफ मुस्कुराते हुए एक टक देखने लगती है, जिससे क्ले गुस्से में जोई पर चिल्लाने लगता है। पर तभी अचानक उसकी ई सिगरेट खुद ब खुद उसके मुंह में घुसकर उसके गले में अटक जाती है और देखते ही देखते दम घुटने के कारण उसकी मौत हो जाती है। जोई का ये रूप देखकर फ्रैंक और ईवा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं जोई अपनी पावर्स का यूज करके अब उन पर भी अटैक करने लगती है और लैब की सारी चीजें उन पर फेंक कर उन्हें घायल कर देती है। फ्रैंक और ईवा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं और जोई को रोकने के लिए उस पर जहरीले इंजेक्शन यूज करने का प्लान बनाते हैं, जिस वजह से पहले फ्रैंक जोई से मिलने जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और बस उसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन जोई अपनी पावर से उसका माइंड रीड कर लेती है और गुस्से में आकर उसे भी मार डालती है। ये सब कुछ दूर छुपी ईवा देख रही थी, जो अपने डर पर काबू पाकर जोई से लड़ने की तैयारी करने लगती है ताकि वो उसे लैब से बाहर आकर और तबाही मचाने से रोक सके। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस दौरान जोई ने बचा हुआ सारा लिजारस सिरम भी अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया था, जिससे उसकी पावर्स कई गुना बढ़ गई थी। खैर, सीन चेंज होता है और हम जोई को अचानक ईवा पर अटैक करके उसे वापस अपने डरावने सपनों की दुनिया में ले जाते देखते हैं। वहां ईवा की मुलाकात फिर उस छोटी बच्ची से होती है, जहां उसे रियलाइज होता है कि ये छोटी बच्ची कोई और नहीं बल्कि जोई खुद थी, जो हमेशा से अपने इस सपने में कैद थी। साथ ही उसे छोटी जोई के हाथ में माचिस दिखाई देती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि उस बिल्डिंग में आग जोई की गलती की वजह से लगी थी, जिसमें उसके नेबर्स जलकर मर गए थे और जोई इस गिल्ट में अभी तक घुट घुट के जी रही थी। ये सब जानकर ईवा छोटी जोई की हेल्प करने की कोशिश करती है और उसे उसके नेबर के अपार्टमेंट का डोर खोलने के लिए मोटिवेट करती है, ताकि उन नेबर्स के साथ साथ जोई भी अपने इस गिल्ट से फ्री हो सके। लेकिन उसी वक्त वहां जोई आ जाती है, जो ईवा को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर ऐन वक्त पर छोटी जोई डोर खोलकर ईवा की जान बचा लेती है। विजन टूटता है और ईवा वापस खुद को लैब में पाती है, जहां वो जोई पर जहरीले इंजेक्शन का यूज करके उसे मार चुकी थी। इस दौरान वहां रेस्क्यू टीम भी पहुंच चुकी थी, जिन्हें देखकर ईवा फाइनली चैन की सांस लेती है और रेस्क्यूअर के गले लगकर फूट फूट के रोने लगती है। मगर तभी ईवा की नजर जोई की लाश पर पड़ती है, जो अब गायब हो चुकी थी, क्योंकि वो रेस्क्यूअर कोई और नहीं बल्कि जोई ही थी, जो अभी तक ईवा को एक फेक विजन दिखा रही थी। जोई को जिंदा देखकर ईवा शॉक्ड रह जाती है और जल्द ही उसके हाथों मारी जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम जोई को अपनी बॉडी से फ्रैंक की डेड बॉडी में सिरम ट्रांसफर करके उसे जिंदा करते हुए देखते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म का नाम है द लिजारस इफेक्ट, जो 2015 में रिलीज हुई थी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।